वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 6 लेक्चर 1। आज हम करेंगे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। आइगन वैल्यू से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर चुके हो एलजेब्रा में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम मेथड्स, नेमली पावर मेथड, जकोबिज मेथड, गीवंस मेथड, हाउस होल्डर मैथड, क्यू आर मैथड एंड लेंकोस मैथड्स विच डील्स विद द आइगन वैल्यूज। मतलब कि हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे इन सभी मैथड्स से। ये सब मैथड्स कब कब यूज होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ एक डेफिनेशन चाहिए हमें। करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स एंड लेमडा बी एन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। कि हम ए माइनस लेमडा को करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है कि आई क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जो हमें पता है। तो हम ए माइनस लेमडा आई करके दिखाते हैं कि ए माइनस लेमडा आई कैसे होगा। ए मान लिया मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले ली, a11 a12 a21 a22। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ए माइनस लेमडा आई करेंगे हम। लेमडा आई का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो। a11 a12 a22 a21 a22। अब माइनस लेमडा 0 0 लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a11 माइनस लेमडा a12 वहां पे और a22 माइनस लेमडा। अब यहाँ 0 की जगह a12 आएगा, हमारी गलती से 0 लिखा गया है यहाँ पे। एज इट इज ए मैट्रिक्स में से लेमडा ही माइनस कर देना है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलोमियल क्या है, द डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलोमियल मैट्रिक्स ली थी, जो हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलोमियल बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है कि उसे इक्वल टू 0 रख दो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलोमियल निकाल के उसे इक्वल टू 0 रख दो तो वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सबको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, बस उसी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और कैरेक्टरिस्टिक पता है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपको एज इट इज पता है। अब क्या है, a11 माइनस लैम्डा a12 a22 माइनस लैम्डा था, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो बस। और डिटर्मिनेंट क्या आएगा कि हमने a11 माइनस लैम्डा इंटू a22 माइनस लैम्डा माइनस a12 a21, ये इसका डिटर्मिनेंट होता है 2x2 मैट्रिक्स का। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी और कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ जाएगी। अगर 0 के इक्वल रख दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, और अगर सीधा डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बन जाएगी आपके पास। बस इतना डिफरेंस है आपके पास। ये डेफिनेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको रिविजन हो जाए कि हमने आइगन वैल्यूज कैसे निकाली थी। आइगन वैल्यू निकालने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, कि हमें पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, जिसे हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 विच इज ऑफ डिग्री एन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट आर कॉल्ड द लेटेंट रूट और प्रॉपर रूट्स और आइगन वैल्यूज। मतलब कि हमारे पास जो हमने ये इक्वेशन निकाली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, जब इसको 0 रखा, जो लैम्डास की वैल्यू आएंगी ना, जैसे अगर यहाँ पे 2 डिग्री का लैम्डा है तो 2 लैम्डा की वैल्यू आएगी, 3 डिग्री का तो 3। यहाँ पे अब एन डिग्री की मैट्रिक्स ली है तो एन लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो उसके रूट्स हो जाएंगे, और इन रूट्स को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, इफ लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन नॉन जीरो सॉल्यूशन एक्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स और ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लिखो या इन सबको एक साइड ला के ए माइनस लैम्डा आई एक्स करो तो भी इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी, जो एक्स नॉन जीरो होना चाहिए किसी भी लैम्डा के कोरेस्पोंडेंस, तो हम उसे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं, और वो इसकी डेफिनेशन होती है। और ये निकालना काफी इजी होता है। पहले लैम्डास निकाल लो, फिर ए में से लैम्डा को माइनस करके और अननोन एक्स की वैल्यूज निकाल लो, तो वो हमारे पास जो एक्स होंगे वो उस लैम्डा के कोरेस्पोंडेंस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होंगे। जैसे हमने यहाँ 2x2 मैट्रिक्स ले ली, a11 a12 a21 a22, तो x1 x2 इसके आइगन वेक्टर्स ले लिए हमने। लैम्डा 0 0 लैम्डा, ये लैम्डा आई हो गया हमारे पास, और इसको हमने x1 x2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जब हम इन दोनों को सॉल्व करके x1 x2 की जो वैल्यू निकाल लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा लैम्डा के कोरिस्पोंडेंस। जिस आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडेंस निकालोगे उसी के कोरिस्पोंडेंस आइगन वेक्टर आ जाएगा। बस ये नॉन जीरो होना चाहिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड टू द सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स।
कि जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे पास क्या होती है, जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उनके सम के इक्वल होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और वो भी पता है, प्लस वन से करते आ रहे हो आप लोग और एलजेब्रा में तो बहुत अच्छे से किया था। मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, A1 A2 इसके रूट्स है, दो आइगन वैल्यूज है, तो A1 प्लस A2 किसके इक्वल होगा, डायगनल एलिमेंट के सम के इक्वल, मतलब A11 प्लस A22 के इक्वल होगा, कि जो डायगनल एलिमेंट्स है हमारे पास उनका जो सम होगा वो आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होगा। द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स। यही चीज ये अपने फर्स्ट पॉइंट पे कहना चाह रहा है, ये बहुत काम आती है। द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर। अगर हमारा ट्रायंगल नीचे बन रहा है, मतलब अननोन वैल्यूज अगर नीचे आ रही है, तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। जैसे अब जो मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि अननोन वैल्यूज कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है और एक ट्रायंगल की शेप ले रहा है ये, तो A11, A22, A33 ये इसकी क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप इसका डिटरमिनेंट A माइनस लैम्डा आई करके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, तो जो लैम्डा आई इसकी वैल्यू है वो इसकी डायगनल वैल्यूज ही आएंगी। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर था, ऐसे ही अगर आप अपर ट्रायंगुलर बनाते तो नीचे की तरफ 0 0 आते और ऊपर की तरफ अननोन, वो मतलब इसकी वैल्यूज आती नॉन जीरो। द मैट्रिक्स B इज इक्वल टू P इनवर्स AP एंड A हैव द सेम आइगन वैल्यूज। मतलब कि अगर ऐसे कोई दो सिमिलर मैट्रिक्स होती है, मतलब B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, तो इन दोनों की आइगन वैल्यू सेम होंगी। अगर कोई दो मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू सेम है तो उनके आइगन वेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उनके आइगन वेक्टर्स सेम होंगे। इफ लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन AM हैज आइगन वैल्यूज लैम्डा वन की पावर m, लैम्डा टू की पावर m, लैम्डा एन की पावर m। कहने का मतलब कि कोई अगर ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज है और उसकी पावर कर दो उस मैट्रिक्स की, तो आइगन वैल्यूज की भी पावर हो जाएगी। अगर इनवर्स है तो इनवर्स की हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर आइगन वैल्यूज की आप प्रोडक्ट करोगे तो वो मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगी। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यू रियल होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की ऑल आइगन वैल्यूज क्या होती है, रियल होती है, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन लोगे तो प्योरली इमेजिनरी होगी। आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू इमेशन आइदर जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड एक्स इज द कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, तो kx भी उसका आइगन वेक्टर होगा। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा पर डिपेंडेंट तो होता ही है। तो हमारे पास अगर कोई x आइगन वेक्टर है तो k स्केलर मल्टीप्लाई करने पे भी आइगन वेक्टर रहेगा। अमंग ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स द वन विच इज लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू। यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है डोमिनेंट आइगन वैल्यू से, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसके हमने सारी आइगन वैल्यू निकाल ली, जो भी आइगन वैल्यू मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डोमिनेंट आइगन वैल्यू या डोमिनेंट रूट होगी। जैसे मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, इसकी आइगन वैल्यू मान लो कि मेरे पास 5 -3 2 आ रही है, तो 5 इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू जाएगी, क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी वाली आइगन वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड में। माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, जैसे 10 -11 2 आ गया, तो जो -11 होगी वो इसकी क्या होगी, डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बड़ा होना चाहिए, हमें साइन का कोई लेना देना नहीं है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू की बात चल रही है, लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास क्या होता है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1/λ इज ऑल्सो इज आइगन वैल्यू। मतलब कि अगर हमारे पास कोई आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है तो 1/λ भी उसकी आइगन वैल्यू होगी। ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल अगर A×A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि उसका इनवर्स उसके इक्वल ही आएगा। ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर मेथड करेंगे। मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इस चैप्टर के मेथड्स करना। आइगन वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास। पहला मेथड है पावर मेथड, और जो पावर मेथड है वो इटरेटिव मेथड होता है। इटरेटिव मेथड का मतलब कि रिपीटेशन वाले होते हैं, जिनमें हम स्टेप्स करते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले हम पावर मेथड की डेफिनेशन करेंगे, जो कि किस तरीके से है कि दिस मेथड्स, और ये मेथड हमें क्या देता है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी देता है और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू भी देता है। तो दिस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमिन, और जब छोटे वाला देते हैं तो हम उसे इनवर्स पावर मेथड बोलते हैं।
दिस मेथड इज नॉर्मली यूज टू डिटर्मिनेंट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू. क्या करेंगे हम, सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज निकालेंगे इन मैग्नीट्यूड. किसमें मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसका साइन प्लस है या नेगेटिव है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर ऑफ ए, मतलब कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है उसकी आइगन वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है तो उसका आइगन वेक्टर भी निकालना है और आइगन वैल्यू भी निकालनी है जो सबसे बड़ी होगी. वो हम पावर मेथड से करेंगे. पावर मेथड अप्लाई होता है दो कंडीशंस पे, मतलब दो कंडीशंस होनी चाहिए तब हम पावर मेथड को अप्लाई करते हैं. पहली कंडीशन क्या कहेगी, दिस मेथड, मतलब ये जो मेथड है हमारा वो कब अप्लाई होगा और कब नहीं अप्लाई होगा, वो चीज पढ़ रहे हैं हम. दिस मेथड कांट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं हो सकता, इफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, अगर हमारे पास लार्जेस्ट आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये अप्लाई नहीं होगा. दिस मेथड कांट अप्लाई इफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू रिपीटेड, कि अगर मान लो ए मैट्रिक्स है उसकी दो आइगन वैल्यू सेम आ जाती है और दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. इफ ए 3 × 3 एंड हमने लिया वी आर हैविंग आइगन वैल्यूज, अब हमारे पास क्या आइगन वैल्यूज आ रही है, इसकी आइगन वैल्यू जो आ रही है 3 × 3 मैट्रिक्स की है तो ऑब्वियस 3 आइगन वैल्यू होगी हमारे पास, तो कौन सी है, 5 − 5 एंड 3, देन वी कांट अप्लाई दिस मेथड, तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 और −5 मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है और हमने बोला है कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज नहीं होनी चाहिए इसमें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये मेथड हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे. बहुत सारे मेथड है बाकी, उनमें से कोई अप्लाई हो जाएगा, पर पावर मेथड के लिए कंडीशन ये है कि जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए. बाकी हो सकती है पर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू डोमिनेंट वाली नहीं. दूसरा है द मैट्रिक्स ए शुड हैव अ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मतलब कि जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आएंगी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस जो आइगन वेक्टर्स मिलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट आप लोग पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज कर लेना. इट मीन्स ए शुड बी, अब ए का मतलब क्या हो गया कि ए शुड बी सिमिलर टू ए डायगनल मैट्रिक्स, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि अगर ए मेरा ए मैट्रिक्स का अगर पावर मेथड अप्लाई करना है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट आनी चाहिए. इसका मतलब है कि ए अगर हमारे ए शुड बी सिमिलर टू आर ए डायगनल मैट्रिक्स, की जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी वो कोई ना कोई डायगनल मैट्रिक्स के सिमिलर जरूर होनी चाहिए. इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ सिमिलैरिटी, अगर हम कोई सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस सीधा ये फोकस करना है कि दो कंडीशंस होनी चाहिए इसे अप्लाई करने की, पहली की रिपीटेड नहीं होना चाहिए, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए. क्यों होता है ये, क्योंकि जो इटरेटिव मेथड है वो कुछ अजम्पशंस पे अप्लाई होते हैं. अजम्पशन मतलब हम अपनी तरफ से उसे सपोज करते हैं तब हम अप्लाई करते हैं, तो उनमें हमें काम आएगा इसका प्रूफ करने में. तो प्रूफ करते हैं, पावर मेथड इज इटरेटिव मेथड, जो पावर मेथड है वो मेरा इटरेटिव मेथड है, सबको पता है. सो स्टार्ट विथ सम अजम्पशंस, तो हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ एक अजम्पशंस के साथ स्टार्ट करेंगे, मतलब कुछ अपनी तरफ से हम अजम्पशंस मानेंगे कि हाँ भाई ये मेरे पास है तो ये होना चाहिए. तो पहले अजम्पशन क्या है कि लेट लैम्डा वन इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, मतलब जो इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसका नाम मैंने लैम्डा वन रख दिया है, कि मेरे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स आएगी उसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो मेरी लैम्डा वन होगी. तो लैम्डा वन मेरी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आइगन वैक्टर के कॉरेस्पॉन्डेंस, कि उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कोई आइगन वैक्टर जरूर आएगा जो लैम्डा वन मेरी लार्जेस्ट आइगन वैक्टर है, आइगन वैल्यू है. अब मैंने लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, अब मैंने कितना माना है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स मानी है तभी उसके पास एन आइगन वैल्यूज होंगी. तो लेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कि एन क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या है, उसमें कंडीशन क्या है कि लैम्डा वन स्ट्रिक्टली मैग्नीट्यूड में लैम्डा वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए बाकी सारी आइगन वैल्यूज से, मतलब कि जो बाकी सारी आइगन वैल्यूज है डोमिनेंट आइगन वैल्यू तभी होती है जब लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड हो. तो मैंने लैम्डा वन को लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड माना है तो वो सारी आइगन वैल्यूज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वो मैंने मान लिया. इफ वी बिलोंग्स टू आर एन, मतलब वी कोई आर एन से बिलोंग कर रहा है, वी कोई वैक्टर है, तो
तो वो किसकी फॉर्म में, और वी वन वी टू वी एन मैंने माने हैं कि जो आइगन वेक्टर्स है मेरे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वी वन वी टू वी एन आर ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारे आइगन वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने पहले ही माना है पावर मेथड में जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो गए और एनी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एन आइगन वैल्यूज है उसकी, तो डायमेंशन उसकी अगर एन हो गई है तो हमारे पास इनके अलावा अगर कोई भी आइगन वेक्टर आएगा तो वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि फिर वो डिपेंडेंट होगा। अगर मेरे पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल चुके हैं, अगर एन प्लस वन अगर कोई वेक्टर आता है तो वो डेफिनेटली एन वेक्टर के लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाएगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, सो वी कैन राइट वी इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी एन, क्यों, क्योंकि v1, v2, vn सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, इनके अलावा कोई और लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं हो सकता, अगर कोई वेक्टर rn से बिलोंग करेगा तो वो इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की एक थ्योरम है जो आप कर सकते हो अगर आपको रिवाइज नहीं है तो। अब हमने v को लिख दिया v1, v2, vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लिखा जाता है, तो v इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी एन वी एन सी एन वी एन। अब हमने बोथ साइड a को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड a को मल्टीप्लाई किया, ए वी इज इक्वल टू सी वन लैमडा वन वी वन प्लस ए सी टू लैमडा टू वी टू प्लस सी एन लैमडा एन वी एन। क्यों आएगा, क्योंकि लैमडा वन लैमडा टू लैमडा एन क्या है, मेरे पास आइगन वेक्टर्स है, और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, लैम्डा वन आइगन वेक्टर है वी वन के कॉरेस्पॉन्डेंस, आइगन वैल्यू है वी वन के कॉरेस्पॉन्डेंस, लैम्डा टू वी टू के कॉरेस्पॉन्ड, लैम्डा एन वी एन के सारी आइगन वैल्यूज हैं, तो इन्हें कैसे लिख सकते हैं, ए लैम्डा वन इज ए वी वन इज इक्वल टू लैम्डा वन वी वन, ये हमने पहले ही डेफिनेशन की आइगन वैक्टर की, तो अपने की होगी, तो ए वी एन इज इक्वल टू लैम्डा एन वी एन, तो हमने ए वी वन ए वी टू ए वी एन की जगह क्या वैल्यूज पुट कर दी, लैम्डा वन वी वन लैम्डा टू वी टू लैम्डा एन वी एन। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लैम्डा वन मैंने कॉमन ले लिया, लैम्डा वन कॉमन लिया तो सी वन वी वन में आ गया सी टू लैम्डा टू बाय सी वन, बाकी सब में लैम्डा वन नहीं है तो उनके डिवीजन में चला जाएगा, ताकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एज इट इज इक्वेशन मिल जाए हमें, ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने लैम्डा वन कॉमन लिया ऐसे। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने बोथ साइड ए और मल्टीप्लाई कर दिया, अब बोथ साइड ए मल्टीप्लाई किया तो सी वन ए वी वन प्लस सी टू लैमडा टू बाय लैमडा वन ए वी टू प्लस में एंड सोन सी एन लैमडा एन बाय लैमडा वन इंटू ए वी एन। ओके, ये आ गया हमारे पास, फिर से हमने ए वी वन ए वी टू ए वी एन की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ए लैमडा वन वी वन प्लस सी टू लैमडा टू लैमडा वन लैम्डा टू वी लैम्डा टू वी टू प्लस एंड सोन सी एन लैम्डा एन बाय लैम्डा वन और इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एन वी एन। अब हम फिर से लैम्डा वन को कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में, तो हमने लैम्डा वन स्क्वेयर हो गया, क्या बचा सी वन वी वन प्लस सी टू लैम्डा टू बाय लैम्डा वन का स्क्वेयर आ जाएगा प्लस में इंटू सी एन लैम्डा एन बाय लैम्डा वन का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास। ओके, और इंटू वी एन आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, अगर ऐसे ही मैं ऐसे अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दू कितने स्टेप तक, अगर कोई के स्टेप तक मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दू, मतलब कि के टाइम्स तक मैं इन्हें क्या कर दू मल्टीप्लाई कर दू, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा कि क्या होगा। तो मैंने क्या किया, के टाइम्स ए को मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड तो ए की पावर के इंटू वी आ जाएगा, इस साइड आपके पास क्या आएगा लैम्डा वन की पावर के आ जाएगी, क्योंकि जितनी हम ए की पावर कर रहे हैं उतनी लैम्डा की पावर बढ़ रही है, और लैम्डा टू बाय लैम्डा वन की पावर कितनी हो जाएगी के हो जाएगी। स्टेप सेम वही करने हैं आपको बार बार, ये प्रोसेस आप कर चुके हो, ऊपर इसको हमने क्या किया जनरल टर्म में लिख दिया सी एन लैम्डा एन बाय लैम्डा वन की पावर के इंटू वी एन हो जाएगा आपके पास। अब अगर ऐसे ही मैं के वन प्लस टाइम करूं, मतलब के प्लस वन टाइम करूं, तो हमारे पास लैम्डा वन की पावर कितनी हो जाएगी के प्लस वन, हमारे पास क्या हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू लैम्डा टू बाय लैम्डा वन की पावर के प्लस वन वी टू एंड सोन, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास सी एन लैम्डा एन बाय लैम्डा वन की पावर के प्लस वन एंड वी एन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मैं के को
अगर मैं क्या के को क्या रखूं, के को मैं क्या करूं, लैम्डा वन मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा है। हमने माना है कि लैम्डा वन भी लार्जर देन कोरिस्पोंडेंस टू ऑल आइगन वैल्यूज, क्योंकि रेस्ट ऑफ जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनसे मैग्नीट्यूड में क्या है, लैम्डा वन बड़ा है। अगर हम किसी भी छोटी चीज को बड़ी चीज से अगर डिवाइड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वन से तो लेस आती है। मान लो कि मैंने टू को थ्री से डिवाइड किया है तो 2/3 होगा, वो मेरा वन से तो लेस ही आएगा। तो बड़ी छोटी चीज को हम बड़ी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो वो सारे क्या आएंगे, मेरे लेस देन वन आएंगे। तो हमारे पास लैम्डा 2/λ1, λ3/λ1, λn/λ1 सारे क्या है, वन से लेस है। तो अगर कोई भी चीज वन से लेस होती है और उसकी हम पावर इन्फिनिटी कर दे तो वो किसको चली जाती है, जीरो को चली जाती है। ठीक है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो नीचे वाली टर्म बड़ी है, ऊपर वाली टर्म छोटी है, तो 1/समथिंग आएगा और उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाए, 1/इन्फिनिटी हो जाए तो वो जीरो को चली जाएगी। तो के की पावर इन्फिनिटी को गई तो जीरो हो गई बाकी सारी टर्म, बची कौन सी, सिर्फ ए के वी इज इक्वल टू लैम्डा वन के बाय के इंटू सी वन बी वन, ये बच गया मेरे पास। बाकी सारी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो मेरे पास सी वन बी वन है प्लस सी टू लैम्डा 2/λ1 की पावर के प्लस सी सी एन लैम्डा वी एन लैम्डा एन बाय, यहाँ पे गलती से ये वी एन बाय वी वन लिखा गया है, ये लैम्डा एन बाय लैम्डा वन है। ये सारा किसको कन्वर्ज हो जाएगा, सी वन वी वन को, क्योंकि लैम्डा 2/λ1 की पावर के लैम्डा एन बाय लैम्डा वन की पावर के ये सारी किसको चली जाएगी, जीरो को चली जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ सी वन वी वन। कन्वर्जिंग किस पे कर रही है, ये सीक्वेंस सी वन वी वन पे जा रही है। तो लैम्डा वन इज डोमिनेंट आइगन वैल्यू, लैम्डा वन मेरा क्या है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, एंड सी वन वी वन उसके कोरस्पोंडेंस क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा। कि जो डोमिनेंट आइगन वेक्टर है उसके कोरस्पोंडेंस जो आइगन वेक्टर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी वन वी वन आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे हमने निकाल दिया, डोमिनेंट आइगन वेक्टर निकाल लिया, जो कि हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, मैं डोमिनेंट आइगन वेक्टर को अब कैसे और कैसे निकाल सकते हो, लैम्डा वन इज इक्वल टू लिमिट के टाइम्स टू इन्फिनिटी ए के प्लस वन वी एमथ कंपोनेंट ए के वी एमथ कंपोनेंट। अब ये एमथ कंपोनेंट आप एग्जाम्पल करोगे ना तब अच्छे से समझ आएगा। एमथ कंपोनेंट का मतलब होता है कि जब आपका ए के प्लस वन वी होता है ना, जब आप वो निकालोगे ए के वी निकालोगे, एक तो पीछे वाली टर्म और एक आगे वाली टर्म, इनके कंपोनेंट का मतलब है पहले कंपोनेंट को पहले से डिवाइड करना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, ये होता है कंपोनेंट का मतलब। ठीक है, तो एम क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कहाँ पे स्टॉप करनी है इस इटरेशन को, जहां पे एरर क्या होगी, टॉलरेंस हो जाएगी। मतलब कि जहां पे हमारे पास इटरेटिव मेथड कब करते होते हैं, जब मान लो कि मेरे पास आंसर सेम सा आने लग जाए, कि 2.3 मान लो कोई आंसर आ रहा है, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, इस तरीके से अगर कोई कन्वर्जिंग एक ही पॉइंट पे आने लग जाए तो वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। तो द स्टॉप द इटरेशन व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेशियोज आर लेस देन, हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन एरर टॉलरेंस। कि हमारे पास जब हमारा मैग्नीट्यूड होगा ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रेशियोज आर लेस देन द गिवन एरर टॉलरेंस, मतलब कि जब हम निकालेंगे जो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, जो लैम्डा के निकालने, लैम्डा वन निकालने के मैंने जो लिखा था लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी वाला, अगर वो मेरे पास डिफरेंसेस जो रेशियोज आ रहे हैं वो अगर एक ही पॉइंट को कन्वर्स करते हुए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। एग्जैक्टली सेम तो आ नहीं सकते, क्योंकि इटरेटिव मेथड है, कभी सेम आ भी जाते हैं और कभी आसपास सा होता है बिल्कुल। एज के टेंस टू इन्फिनिटी एम के प्लस वन ऑल्सो गिव्स लैम्डा वन, मतलब कि जब आप इक्वेशंस करोगे ना तो अगर एम के प्लस वन जो कंपोनेंट होगा वो आपका लैम्डा वन दे देगा, मतलब आइगन वैल्यू दे देगा। अब एम के प्लस वन है वो क्या होगा, एम के प्लस वन है कंपोनेंट होगा, लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा वाई के प्लस वन का, मतलब ए की ए इंटू के वी के का कंपोनेंट होगा। जो आप क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आ जाएगा, जब हम वर्किंग रूल करेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपकी थ्योरम है जो कि आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि पावर मेथड कैसे वर्क करता है। लैम्डा इज ऑब्टेन्ड द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए के प्लस वन वी एंड ए के वी, मतलब कि जो लैम्डा आई है वो, लैम्डा आई का मतलब नहीं है लैम्डा वन,
लैम्डा वन यहाँ पे आपके पास क्या है, लार्जेस्ट डोमिनेंट आइगन वेक्टर है, वो किससे कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट को अगर डिवाइड करोगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। अब वर्किंग रूल क्या है आपके पास, वर्किंग रूल में आपको कैसे करना है, ये तो आपके पास थ्योरम हो गई। आपने कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ले ली, उस मैट्रिक्स में सबसे पहले तो अजम्पशन करना है इनिशियल वेक्टर। इनिशियल वेक्टर ऑलवेज आप एक कोई इनिशियल वेक्टर अजम्पशन करोगे, वी नोट। इनिशियल वेक्टर कैसा होता है, कॉलम वेक्टर होता है। कॉलम वेक्टर मतलब कि अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एन क्रॉस वन का कोई मैट्रिक्स होगा आपके पास, तो ए के वाई के प्लस वन आपके पास वेक्टर आएगा जो ए वी के इक्वल होगा। वी क्या है, वेक्टर है, और वी के प्लस वन क्या होता है, वाई के प्लस वन बाय एम के प्लस वन। अब हमारे पास क्या होगा, एम के प्लस वन क्या होगा वो अब हम निकाल लेंगे, और एम के प्लस वन क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगी वाई के प्लस वन की। तो वाई के प्लस वन क्या, और के क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब वाई वन निकालना है तो वी नोट यूज होगा, वाई टू निकालना है तो वी वन। वी हमेशा एक पॉइंट पीछे रह रहा है वाई से, तो और वाई वी के प्लस वन कैसे होगा, वाई के प्लस वन जो आ जाएगा ना उसको हम लार्जेस्ट एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वी के प्लस वन आ जाएगा। तो लैम्डा वन इज इक्वल टू लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी वाई के प्लस वन बाय वी के एम एथ कंपोनेंट। वी के तो क्या हो गया हमारे पास, रिक्वायर्ड आइगन वैक्टर हो गया जो लैम्डा वन के कोरस्पोंडेंस होगा, ये आइगन वैक्टर चाहिए मुझे इसके कोरस्पोंडेंस लैम्डा वन के, और एम क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास वर्किंग रूल है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। थैंक यू।